नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। रतिया के गांव सरदारेवाला में बीती रात को अज्ञात लोगों ने घर में सो रहे एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। मौके से फरार हो गए हैं और घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने पुलिस को सूचित कर दिया है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए नगरीय अस्पताल में भिजवा दिया। वहीं जानकारी के अनुसार गाँव सरदारेवाला में निवासी चरण सिंह बीती रात को अपने घर पर सोया हुआ था और करीबन 1 बजे अज्ञात लोग उसके घर पर घुस आए, जिसके बाद चरण सिंह की हत्या कर दी गई। परिजनों के अनुसार मृतक की पत्नी ने बताया है कि मृतक के साथ किसी की कोई रंजिश भी नहीं थी। फिलहाल हत्या करने वालों और हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पलपल फतेहाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। पिंड सरदारेवाला इतने मेरे दादा जी एडमिट ने, उन्होंने किसी ने रात 1:30 बजे एक डेढ़ बजे करीब हत्या कर दिती है। तो असी आपदे हक लिए आपदे दादे दे इंसाफ लिए इतने आए हैं। तो उन्होंने नाम श्री जयराम मजोका है, तो पिंड सरदारेवाला है, उम्र उन्होंने 75 साल है। तो उन्होंने राती 1:30 बजे किसी ने मार दिता है। तो सानू उस गल का किसी नूं कोई पता नहीं भी कौन सी कित्थों सी। तो मैं पिंड सरदारे वाले घर आके मर के गए ने, उन्हां दा कोई भी पता नहीं हैगा जी। पुलिस नूं शिकायत कर दित्ती है। ये मामला रात का है जी। ये मेरे चाचा जी जयराम जी, इनका नाम सुनम जयराम राम है जी, और जाति से रात के 1:30 बजे के बीच में घर सो रहे थे, चाची साथ में थी। पता नहीं कैसे जे हादसा बरपया, उसको मार गए तेज हथियार से। उसके बाद हमने सारे रल के सरपंच साहब को दिया इतला, फिर चौकी इंचार्ज को। चौकी इंचार्ज उसे टाइम ही आ गए, कोई देर भी लगाई उन्होंने। उसके बाद अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। कितनी उम्र है जी उनकी? उनकी लगभग जी 74-73 साल की उम्र है। किसी पर कोई शक वगैरह? नहीं जी, कोई शक नहीं। गांव में किसी साहब मामला, किसी साहब कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, रंजिश नहीं। पुलिस अपना काम कर रही है जी। ठीक।